तो दोस्तों पीसी भी घुमाया, उल्टा किया, इसका सेंसर को मैं इधर रखा है। और चलिए एक बार इसी टाइम सप्लाई देखिए, कुछ वोल्टेज चेक करके देखूंगा। तो चलिए मैं सप्लाई दे दिया, सप्लाई देने के बाद देखिए इसका इंडिकेटर ऑन हो गया। चलिए मैं स्टैंड बाई से ऑन कर रहा हूँ। दोस्तों स्टैंड बाई से ऑन करने का पहले आपको एक बार ESD सप्लाई दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों ये 110 वोल्ट का लाइन है, यहाँ पर अभी वोल्टेज कितना है, 62 वोल्ट। ये ESD सप्लाई है, अभी स्टैंड बाई मोड पर है। तो चलिए इसका 180 वोल्ट लाइन पर अभी कितना वोल्ट है, अभी इसी टाइम देखिए 62 वोल्ट ESD सप्लाई जैसा सेम वोल्ट है। तो चलिए इसी टाइम और क्या चेक करके दिखाना पड़ेगा, तो चलिए कोई बात नहीं, एक बार स्टैंड बाई ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तो मेरा पास रिमोट है, रिमोट लेके इसका स्टैंड बाई से ऑन कर देता हूँ। देखिए स्टैंड बाई से ऑन कर दिया, ऑन करने के बाद इसका ESD सप्लाई कितना हो गया, 120 वोल्ट। आप देखिए इसका ESD सप्लाई, तो दोस्तों ESD सप्लाई बहुत ही हाई हो गया, मतलब बहुत हाई नहीं है, कुछ थोड़ा हाई हो गया, ये डाउन करना पड़ेगा। 180 वोल्ट लाइन पर कितना वोल्ट देखिए, 180 वोल्ट लाइन पर देखिए 234 वोल्ट हो गया। तो दोस्तों ये जो ESD सप्लाई है, इसी का रीजन से ये 180 वोल्ट वोल्टेज हाई हो गया। तो चलिए इसी का रीजन से ESD जो हाई स्पार्किंग वो प्रॉब्लम आ गया और ESD का जो वायर है वो ख़राब हो गया। तो इसीलिए मैं इसका ESD सप्लाई को ठीक करूँगा, किस तरह ठीक करना पड़ेगा चलिए मैं आपको ऑफ करने का पहले आपको दिखाना चाहता हूँ। कि देखिए ये जो ESD सप्लाई है, ESD सप्लाई लाइन जो है 120 वोल्ट, यह ऐसा एक फीडबैक लाइन आता है। देखिए बीच में एक ये रेजिस्टेंस और जम्पर भी हो सकता है, यहाँ पर देखिए ये सेम वोल्ट है ये पोजीशन के अंदर, ठीक है, देखिए सेम वोल्ट है ये पोजीशन के अंदर, और यहाँ से यहाँ तक एक जम्पर है, हो सकता है ये रेजिस्टेंस है, हो सकता है इधर एक जम्पर और रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर सेम वोल्ट है, और उसके बाद इधर और एक रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों ये रेजिस्टेंस का बाद देखिए 62 वोल्ट है, और उसके बाद सीरीज आर एक रेजिस्टेंस है इधर, यहाँ पर कितना वोल्ट है, तो दोस्तों इधर टच करने का बाद थोड़ा सा ESD हाई स्पार्क टाइप आवाज़ निकलता है, तो इधर भी थोड़ा सा वोल्टेज डाउन होना चाहिए। तो ये पोजीशन का वोल्टेज 62 वोल्ट है, बट ये पोजीशन का अंदर वोल्टेज कुछ भी नहीं शो हो रहा है। तो चलिए ये दो रेजिस्टेंस को मिलने एक बार चेक करके देखना पड़ेगा, मैं सप्लाई को ऑफ कर देता हूँ। दोस्तों ये जो दो पोजीशन का रेजिस्टेंस है, लगता है ये जम्पर है, ये भी जम्पर है, और ये दो रेजिस्टेंस है, ये सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस यहाँ पर देखा जाता है। तो दोस्तों इसी तरह PCB वीडियोकॉन सैमसंग या कहीं कुछ भी TV हो सकता है उसका अंदर देखा जाता है, और जो Philips TV होता है Philips TV का अंदर इसी तरह सेम चेसिस देखा जाता है। तो चलिए मैं सप्लाई तो ऑफ कर दिया, ऑफ करने का बाद ये पोजीशन का अंदर जो रेजिस्टेंस है आपका एक बार दिखाना चाहता हूँ। अब देखिए ये जो पोजीशन का रेजिस्टेंस, इसका अंदर देखिए, अब अच्छा करके देखिए, यहाँ पर सेम कलर का देखिए, ये एक और ये दो रेजिस्टेंस है, ये सेम कलर का रेजिस्टेंस है, और ये धूल का वजह इस तरह ये देखा जाता है, आपको क्लियर करके दिखाता हूँ। तो ये रेजिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस है, आपको लाइट ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए ये दो रेजिस्टेंस सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस है, तो चलिए ये रेजिस्टेंस को मेजर करके एक बार देखूंगा, और ये रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो जाएगा तो ESD सप्लाई थोड़ा सा हाई और लो भी हो सकता है, ठीक है। तो इसका ओरिजिनल वैल्यू ये ओपन करने के बाद आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों इसी टाइम आपको जो दिखाना चाहता हूँ आप अच्छा करके देखिए, दो नंबर का मैं ये सेम नंबर का रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया, ठीक है, ये दो सेम नंबर का सेम वैल्यू का, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट एक रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को मेजर करके देखूंगा कि ये कितना ओम्स देता है, ठीक है। अब मीटर को देखिए, चलिए मैं 200 किलो रेंज पर रखा है, ठीक है, और इसी टाइम देखिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, देखिए 58.2 के ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 58.2 के। तो चलिए ये रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर रखता हूँ, और उसके बाद ये जो सेम नंबर का रेजिस्टेंस है
तो ये रेजिस्टेंस को मेजर करके एक बार देखता हूँ इसका वैल्यू कितना है। तो दोस्तों देखिए ये रेजिस्टेंस का वैल्यू 56.5 के। तो दोस्तों ये दोनों रेजिस्टेंस का जो वैल्यू सेम होना चाहिए बट सेम नहीं है, थोड़ा सा वैल्यू इधर उधर हो गया। तो मतलब थोड़ा सा वैल्यू आपको फर्स्ट टाइम बता है इधर उधर हो जाएगा तो इसका ESD सप्लाई थोड़ा सा हायर लो हो सकता है। तो इसीलिए एक्चुअली ये रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना है, ये 57 ओम्स का ये रेजिस्टेंस है ये चैसिस का। बट अलग अलग PCB के अंदर अलग अलग वैल्यू का रेजिस्टेंस देखा जाता है। ये चैसिस के अंदर 57 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस देखा जाता है। दोस्तों चलिए ये दो रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पर रखा है, ठीक है, और मेरा पास ये सेम नंबर का रेजिस्टेंस नहीं है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर दो रेजिस्टेंस लगा के टेस्ट करके देखा। देखिए ये पोजीशन का अंदर दो रेजिस्टेंस रखा, ये सीरीज रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब अच्छा करके फोकस कीजिए कि जो ये पॉइंट से इधर एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस को मैं ओपन किया। ओपन करने के बाद यहाँ से जो ये लाइन का अंदर रेजिस्टेंस आना चाहिए, सॉरी ये जम्पर है, जम्पर का बाद बीच में ये एक रेजिस्टेंस है और ये सीरीज रेजिस्टेंस है। तो दोनों रेजिस्टेंस या इसका जो पॉइंट है यहाँ पर मैं ज्वाइन किया, ठीक है, और इसका अंदर मेरा पास सेम नंबर का रेजिस्टेंस नहीं है, मैं ये 100K रेजिस्टेंस लगाया। तो दोस्तों ये 100K का रेजिस्टेंस है और उसका बाद दोस्तों ये मैं 10K का लगाया, मतलब ये 110K हो गया, ठीक है। तो एक्चुअली इसका जो दोनों वैल्यू ये सेम मिला के जो होना चाहिए 114K, ठीक है, 114K इसका वैल्यू होना चाहिए। बट अब मैं 100K लगाया और 10K लगाया, ठीक है, तो 12K भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मेरा पास अभी नहीं है, जो मिला कि ये दो रेजिस्टेंस का वैल्यू हाई हो जाएगा, मतलब 110 ये वैल्यू मैं लगाया और अब 115 लगाएगा तो इसका वोल्टेज जो आउटपुट वोल्टेज ये थोड़ा बढ़ जाएगा। अब 100 का ऊपर वैल्यू मतलब अब 150K लगाएगा तो 150K का वैल्यू लगाएगा तो इसका ESD सप्लाई और हाई हो जाएगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस वैल्यू हाई हो जाएगा तो ESD सप्लाई हाई हो जाएगा। तो देखिए मैं 100, चलिए मैं आपको एक बार मेजर करके दिखाता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस मैं लगाया ये रेजिस्टेंस का वैल्यू देखिए, ये एक रेजिस्टेंस लगा इसका वैल्यू 40। तो ओपन करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि ज्वाइन है इसीलिए इसका प्रॉपर वैल्यू देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए दोस्तों ये पोजीशन का रेजिस्टेंस को आपको ओपन करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये एक जो रेजिस्टेंस लगा इसका वैल्यू देखिए 99.3, मतलब ये 100K का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस देखिए ये 10K का रेजिस्टेंस है, देखिए 9.7, ये 10K का रेजिस्टेंस है। ये दो रेजिस्टेंस लगा है, मतलब टोटल 110 के वैल्यू इसका मैं किया, करने के बाद मैं ऊपर से ही लगाया आपको देखने के लिए और उसके बाद फाइनली मैं PCB का साथ कनेक्ट करूँगा। दोस्तों ESD सप्लाई 110 से 15 वोल्ट का आसपास होना चाहिए, ये मैं कर दूंगा। 110 हो जाएगा तो बढ़िया बात है। तो मीटर लेके आपको वोल्टेज भी एक बार दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए मीटर को मैं 600 DC रेंज पर रखा है, ठीक है। तो चलिए मोबाइल को मैं थोड़ा सा घुमा के आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं एक बार सप्लाई दे देता हूँ, देखिए मैं सप्लाई दे दिया, देने का बाद मीटर का नेगेटिव कोड को नेगेटिव करना पड़ेगा और उसके बाद इसी टाइम अभी स्टैंड बाई मूड पर है, इसका इंडिकेटर यहाँ पर अभी जल रहा है, ठीक है। इसका ESD सप्लाई अभी कितना है देखिए, इसके ESD सप्लाई अभी 59-60 वोल्ट का आसपास। तो दोस्तों स्टैंड बाई कंडीशन पर इतना वोल्ट आपको देखना पड़ेगा, तो दोस्तों स्टैंड बाई कंडीशन पर आपको इतना वोल्ट देखना पड़ेगा। तो ये पोजीशन का वोल्टेज हाई इसी टाइम शो होगा, तो स्टैंड बाई ऑन होने के बाद भी इसका वोल्टेज हाई शो होगा। तो ये अभी 60 वोल्ट का आसपास शो हो रहा है, तो चलिए स्टैंड बाई ऑन करने के बाद कितना वोल्ट मिलता है आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं स्टैंड बाई किया, स्टैंड बाई ऑन किया, ESD सप्लाई अभी कितना है, ESD सप्लाई अभी कितना है देखिए 110 हो गया।
तो दोस्तों और तो डरने का कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं है, 110 हो गया। तो दोस्तों आप ये 3K का जो रेजिस्टेंस है 12K लगाएगा तो ये 150 वोल्ट का आसपास हो जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 110 वोल्ट से पीसीबी भी आराम से चलेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं होगा। और ESD सप्लाई जब नॉर्मल हो जाएगा उसी का रीजन से, मतलब ESD सप्लाई का हिसाब से इसका 180 वोल्ट भी मिलता है। देखिए अभी 180 वोल्ट लाइन का अंदर देखिए 188 वोल्ट शो हो रहा है। दोस्तों ये 180 वोल्ट ये हाई होने का बहुत कुछ रीजन है, इसका आउटपुट सेक्शन प्रॉब्लम, बूस्ट पीएफ प्रॉब्लम, ESD प्रॉब्लम से भी 180 वोल्ट इसका हाई और लो भी हो सकता है। बट ये पीसीबी का अंदर आपको जो दिखाया आपको कि ESD सप्लाई हाई बनेगा तो 180 वोल्ट भी हाई बनेगा, मतलब इसका ESD भी हाई बनेगा, ठीक है। और ESD जब हाई बन जाएगा तो उसी का रीजन से बहुत कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलिए कोई बात नहीं, और